अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से नुस्खे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था जवारिश जंजबील के बारे में, तो दोस्तों इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसका एक नया और ख़ास नुस्खा है, उस नुस्खे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जवारिश जंजबील बनुस्खा ख़ास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ख़ास किस्म का नुस्खा है जो जंजबील का ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो इसमें जो है बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के तरीके के बारे में हम बात करेंगे और इसको इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाल करके बनाया जाता है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका नुस्खा बता देते हैं, उसके तरफ चलते हैं। नुस्खा क्या है? आपको लेना है जायफल। जी हाँ दोस्तों, जायफल जो मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, जो हर किचन में मौजूद होता है, जायफल आपको लेना है और लौंग लेनी है, दारचीनी लेनी है। ये तीनों चीज़ें आपको जो है 10-10 ग्राम लेनी है, एक एक तोला। और इसके बाद आपको लेना है गोंद कीकर और छोटी इलायची, इन दो को 20-20 ग्राम ले लें, यानी 2-2 तोला। जंजबील, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि जंजबील किसे कहा जाता है, तो जंजबील सौंठ को कहते हैं, यानी जो सूखी हुई अदरक होती है उसे जंजबील कहा जाता है। आपको जंजबील लेना है 50 ग्राम और नशास्ता ये आपको 100 ग्राम लेना है। और इसके बाद आपको लेनी है कंद सफ़ेद, ये तकरीबन 300 ग्राम ले लें, और ज़ाफ़रान 3.5 माशा। और इन तमाम को अब बनाने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको तैयार कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंद का जो है कवाम तैयार करना है, और तब जब तैयार हो जाए, कवाम तैयार होने के बाद ये जितनी दवाएं बताई गई हैं इन तमाम को बारीक पीस कर इस कवाम में मिला लेंगे और आपकी दवा जो है बनकर तैयार है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो आप किसी शीशे के बर्तन में इसे भर के रख लें और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो फ़वाद बताए गए हैं, जवारिश जंजबील के जो फ़वाद बताए हैं वही इसके फ़वाद हैं, लेकिन ये नुस्खा उससे थोड़ा ख़ास है और तेज़ असर करने वाला है, उससे ज़्यादा तेज़ असर करता है। नुस्खा छोटा है लेकिन बहुत असरदार है, बहुत काम का है। तो इसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में अगर हम बात कर लें, तो दिन में एक मरतबा इसे इस्तेमाल करेंगे नाश्ता करने के बाद, 5 ग्राम तकरीबन, यानी आधा छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। ये भी जो है अर्क गौज़मा के साथ में इस्तेमाल कर लें या अर्क बेद मुश्क के साथ में इस्तेमाल कर लें, और अगर इन दोनों अर्क के साथ में इस्तेमाल ना करें तो पानी से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा और बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये था जवारिश जंजबील का एक बेहतरीन और ख़ास नुस्खा जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।